यूपी के सीतापुर में अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के कई दर्जन शातिर अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमा बेहद चौकन्ना हो गया है। सीतापुर एसपी प्रभाकर चौधरी के निर्देशन पर जिले भर के विभिन्न थाना एवं कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले अपराधियों के घर पर जाकर पुलिस मुनादी कराने लगी है। मुनादी के दौरान पुलिस बल के कारण ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि यदि जिला बदर अपराधी उनके गांव अथवा कहीं और नजर आए तो इसकी सूचना वह पुलिस को दे, इसके बदले में उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। वहीं उनका नाम व पता भी गोपनीय रखा जाएगा। मालूम हो कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसपी सीतापुर लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके क्रम में मोहली कोतवाल धर्म प्रकाश शुक्ल के द्वारा इलाके के ग्राम हसनापुर और बासी गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी कराई है। मोहली पुलिस की इस कार्यवाही के बाद अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया है। पुत्र बिंदर निवासी ग्राम बासी थाना कोतवाली मोहली जनपद सीतापुर को गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर किया गया है, जिसका आपराधिक इतिहास मुकदमा अपराध संख्या 334/14 धारा 376 IPC व 3/4 पास्को एक्ट थाना मोहली जनपद सीतापुर नंबर 2 NCR संख्या 180/16 धारा 323 504 506 IPC थाना मोहली। उक्त आदेश के अनुक्रम में उसे 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। यदि उसके संबंध में कोई सूचना देता है, उसकी गिरफ्तारी में मदद करता है तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। उसके आने जाने की कोई सूचना देता है तो उसे इनाम दिया जाएगा।